हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू वेद प्रे बायोलॉजी एकेडमी तो स्वागत है आप सभी का वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे तो ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ जैसा कि सभी स्टूडेंट्स ने बोला था सी यू टी के लिए कंप्लीट सिलेबस डिटेल्स क्या है और हमें इसके लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करनी चाहिए यानी कि किन बुक्स को पढ़ के हम अपने ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं तो आइए जरा डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके आपका हर सिलेबस यहाँ पे हर सिलेबस का मतलब है सिलेबस में जो भी आपकी यहाँ पे यूनिट या सब्जेक्ट मैंशन है उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी स्टूडेंट्स और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि देखोगे तभी समझ में आएगा कि रियल में हमें एक्सट्रीमली हाई लेवल पे कहाँ तक पढ़ना है या एक्सट्रीमली बेसिक लेवल पे हमें कहाँ से पढ़ना है तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके सिलेबस की तो सबसे पहले आपको एनिमल डाइवर्सिटी जो यहाँ पे जुलॉजी वाले बच्चे हैं इनके लिए एनिमल डाइवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक यूनिट है मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑलरेडी बताई हुई हैं वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो बॉटनी जुलॉजी लाइफ सबके लिए ही मैंने आपको मोस्ट यूनिट्स सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका नॉन कोर्डेट्स क्या है बेटा वो है आपका नॉन कोर्डेट नॉन कोर्डेट्स में बेटा यहाँ पे आपको सारे फाइलम्स पढ़ने हैं प्रोटिस्टा से लेके स्यूडोसिलोमेट्स तक यानी के यहाँ पे आपको एनिमल किंगडम जो है इसके के बेसिक कैरेक्टर्स पता होने चाहिए एनिमल किंगडम को किस बेस पे आपने क्लासिफाई किया ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद आप प्रोटिस्टा पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर्स क्या है और उसका क्लासेस तक क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ना है और यहाँ पे आपको यूग्लीना और पैरामीशियम के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि इनका लाइफ साइकिल क्या है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से कौन सी डिजीज होती है एज ए पैथोजन ये कैसे काम करता है और यहाँ पे लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है बेटा प्रोटिस्टा का तो ये यह यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के दो सब टॉपिक हो गए उसके बाद अगेन आपको पोरिफेरा पढ़ना है नाइडेरियंस पढ़ना है और ही हमें बेटा आप लोगों को यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासेस तक पढ़ना है उसके बाद आपको यहाँ पे साइकॉन की स्टडी करनी है और स्पॉन्जिस का कनाल सिस्टम कैसे होता है ये आपको पढ़ना है एट लास्ट आपको यहाँ पे नाइडेरियंस पढ़ना है जिसमें आपको मेटाजोवा पढ़ना है उनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं क्लासेस का क्लासिफिकेशन पढ़ना है मतलब अप टू क्लासेस आप इसको कैसे क्लासीफाई करोगे नाइडेरियन फाइलम को ये आपको पढ़ना है फिर ओबेलिया में मेटाजेनेसिस कैसे होता है और नाइडेरियंस में पोलीमोर्फिज कैसे देखा जाता है और कोरल रीप्स के बारे में आपको यहाँ पे बेटा डिटेल में पढ़ना है कोरल रीफ्स के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना है, पढ़ना है किसी जीनस के बारे में नहीं पढ़ना, इनका क्लासिफिकेशन आपको, आपको देखना है क्लासेस तक और यहाँ पे आपको फेस्कियोला हेपटिका और सोलियम का लाइफ साइकिल और पैथोजेनेसिटी नेचर देखना है ठीक है और क्या क्या अडेप्टन करी है इन्होंने ऐसा पैरासाइट ये आपको पढ़नी है उसके बाद बेटा यहाँ पे हमें निमेटो हेलमेंट्स पढ़ना है इनका क्लासिफिकेशन देखना है क्लासेस तक और यहाँ पे एस्केरिस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये आपके इंपॉर्टेंट जीनस हो गए जैसे कि टीनिया एस्केरिस और पीछे भी हमने एक दो जीनस देखे थे तो ये आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं सभी बच्चों को ये सभी बच्चों को डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ने हैं इसके लिए अगर आप लोग बुक रेफर करना चाहो बेटा तो यहाँ पे आप सबके पास आई थिंक होगी भी आप लोग कोटपाल की बुक रेफर कर सकते हो बेटा ये टॉपिक कवर करने के लिए आप आराम से जो आपका कोटपाल का बुक है तो आपको यहाँ पे इकोलॉजी पढ़नी है बेटा क्या पढ़नी है इकोलॉजी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजी का मतलब क्या है ओर्टिकोलॉजी क्या होती है लिमिटिंग फैक्टर का लो क्या होता है फिजिकल फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं जैसे कि टेम्परेचर लाइट वगैरह ये सब उसके बाद आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़नी है जहां पे आपको पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स पढ़ने हैं जैसे कि डेंसिटी मोटिलिटी लाइफ टेबल सर्वाइवरशिप कर वेज रेशियो सेक्स रेशियो एंड डिपर्जन और उसके बाद बेटा आपको आर और के सिलेक्शन क्या होता है ये पढ़ना है एक्सपोनशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़नी है आपको लोड का वोल्टेरा इक्वेशन पढ़नी है कॉम्पिटिशन के लिए फ्रीडेशन पढ़ना है आपको गोज प्रिंसिपल पढ़ना है डेंसिटी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर आपको पढ़ना है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पढ़ना है मतलब म्यूचुअलिज्म न्यूचुअलिज्मलिज्म वगैरह ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं बेटा ठीक है उसके बाद आपको कॉम्युनिटी पढ़नी है बेटा कम्युनिटी में आप लोगों को कॉम्युनिटी कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि स्पीशीज़ रिचनेस क्या है डोमिनेंस क्या है अबंडेंस क्या है गिल्ड्स क्या है इकोटोन एज इफेक्ट पता होना चाहिए आपको सक्सेशन पता होना चाहिए और आपको क्लाइमेक्स कॉम्युनिटी की जो थियोरीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है बेटा एट लास्ट आपको यहाँ पे इकोसिस्टम पढ़ना है जिसमें आपको इको के बारे में डिटेल स्टडी पढ़नी है फॉरेस्ट इको सिस्टम पोंड इको सिस्टम मैंग्रोव या कोरल रीफ इकोसिस्टम आपको यहाँ पे एकटिक इकोसिस्टम का वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ना है फिर आपको फूड चेन पढ़नी है फूड वेब पढ़ना है इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज पढ़नी है और यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़नी है ठीक है आपको यहाँ पे बायोजियो केमिकल साइकिल्स जो है उनको कवर करना है उसके बाद आपको अप्लाइड इकोलॉजी पढ़नी है जिसमें आप बायोडाइवर्सिटी देखोगे थ्रेटेंड स्पीशीज़ वगैरह ये सब देखोगे प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं नेशनल पार्क क्या है सेंचुरीज़ क्या है रिस्टोरेशन इकोलॉजी क्या है

हुआ है कि यहाँ पे आपको एनिलीड का एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन पढ़ना है क्लासेस तक का क्लासिफिकेशन पढ़ना है डाइजेशन पढ़ना है सिमिलरली अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बात करूं तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स तक का क्लासिफिकेशन पढ़ना है आर्थ्रोपोडा में आपको जो इंसेक्ट ग्रुप आते हैं उसमें ऑर्डर तक का आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे पता होना चाहिए और बाकी ओवरऑल क्लासिफिकेशन आपको क्लासेस तक पता होना चाहिए बीज और टर्माइट्स का सोशल लाइफ कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए सिमिलरली आपको नाइकोफोरा का जनरल कैरेक्टर्स और इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस जो है पता होना चाहिए अगर आप फाइलम मोलस्का की और बात करो तो यहाँ पे इनका आपको रेस्पिरेशन पता होना चाहिए टोर्जन डिटोरजन कैसे होता है गेस्ट्रोपोडा में ये पता होना चाहिए पर्ल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं बाईव ये

से फैसिलिटेटेड सेल जंक्शन पढ़ने हैं सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ना है टाइट जंक्शन क्या होते हैं गैप जंक्शन क्या होते हैं जंक्शन के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है उसके बाद आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ना है जिसमें आपको ईआर का स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ना है सिग्नल हाइपोथिस क्या होता है ये आपको पढ़ना है ई से गोल्गी किस तरीके से प्रोटीन जाता है ये आपको पढ़ना है प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ना है आपको यहाँ पे गोल्जी के बारे में पढ़ना है आपको यहाँ पे और लाइजोजोम और के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है उसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उसको सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं ये पता होना चाहिए एंटोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी चेन ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और एटीपी सिंथेस के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पता होना चाहिए फिर आपको यहाँ पे साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर फंक्शन देखना है साइटोस्केलेटन में तीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो तीनों आपको पढ़ने माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रो फिल्मेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट उसके बाद आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखना है न्यूक्लियर एनवेलप देखना है एनपीसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देखना है आपको यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं यूक्रोमेटिन क्या होता है पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोलस ये सारी बातें आपको यहाँ पे डिटेल में देखनी है फिर आपको बेसिक सेल डिवीजन पढ़नी है माइटोसिस में

चाहिए आप लोग पी डी शर्मा से अपने इकोलॉजी के टॉपिक कवर कर सकते हो और अगर फॉरन ऑथर की पढ़ना चाहते हो तो आप लोग स्मिथ की बुक रेफर कर सकते हो बेटा आप लोग ओडम की बुक भी रेफर कर सकते हो ये बुक्स आप लोग इकोलॉजी के लिए क्या कर सकते हो बेटा रेफर कर सकते हो उसके बाद बेटा आपको कोर्डेट्स पढ़ने हैं अभी तो आपने नॉन कॉर्डेट्स देखा उसमें भी सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स उसके बाद आपको कॉर्डेट्स पढ़ना है जिसमें आपका प्रोटोकॉल डाटा आता है कॉर्डेट का ओरिजन कैसे हुआ ये आपको पढ़ना है इनके जो जनरल कैरेक्टर्स है ये सब पढ़ना है एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन पढ़नी है एग्नाथा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है पसिस के बारे में पढ़ना है इन्फीबियंस के बारे में रेप्टाइल्स के बारे में एव्स के बारे में उसके बाद आपको मेमल्स के बारे में और एट लास्ट आपको जू जियोग्राफी पढ़नी है ठीक है ये सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़नी है कि वर्टिब्रेट्स का अलग अलग जगह कैसा

आपको बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है Then आपको आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है पे पे उसके बाद बेटा मसल्स के बारे में पढ़ना है उसके बाद यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं बेटा इसी टॉपिक से एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये पूरा आपके हॉर्मोन्स के बारे में और आपके जो ग्लैंड हैं एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में है तो आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टॉपिक बनता है बेटा ठीक है ये सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है यहाँ पे ठीक है बेटा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है ठीक है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और सेल बायोलॉजी की सीरीज तो चल ही रही है सेल बायोलॉजी की सीरीज चल रही है मैं ऑलरेडी दो तीन टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ देन बेटा यहाँ पे आपको बायो पढ़नी है बायो के लिए तो आप सब बच्चों को पता ही है आप लेनिंजर की बुक से अपने टॉपिक कवर कर सकते हो बेटा इसमें आपको बायो बायोमोलिक्यूल सबसे पहले पढ़ने हैं तो चार टाइप के बायो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं बेटा यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपको क्या क्या डिटेल पढ़ना है इसीलिए पूरा

हाइपो हाइपोक्रोमेसिटी ऑफ डीएनए क्या होता है ये सारी बातें आपको पढ़नी है देन आपको एंजाइमोलॉजी पढ़नी है जिसमें आप के एम वी मैक्स की वैल्यू देखोगे यहाँ पे जो मॉडल्स हैं एंजाइम्स के वो देखोगे कोफैक्टर्स के बारे में देखोगे क्लासिफिकेशन देखोगे एम एम इक्वेशन देखोगे ये सारी बातें यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़नी है बेटा उसके बाद आपको वर्टिब्रेट्स की कम्पेरेटिव एनाटॉमी पढ़नी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिसमें आपको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम का कंपेरेटिव एनाटॉमी देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम को कंपेयर करना है रेस्पिरेटरी

पे आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो पढ़ने हैं जैसे कि लिपिड को कैसे हम लोग बनाते हैं तोड़ते हैं प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ना पढ़ना है 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 ये सारी बातें आपको है, आपको पढ़नी ऑक्सीडेटिव और लिवर में कौन कौन सी अच्छी रिएक्शन होती हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह फास्टिंग क्या होती है स्टार में लिवर कैसे काम करता है ये सारी बातें आपको पढ़नी है देन आपको मोलिकुलर बायोलॉजी यहाँ पे पढ़नी है मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए सबसे अच्छी बुक आपकी वॉटसन की है ठीक है, इसमें आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है डीएनए डीएनए का पढ़ना है, से से है, से कैसे बनता ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है ट्रांसलेशन पढ़ना है फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बन के आता है उसमें क्या क्या मोडिफिकेशन होती है प्रोसेसिंग होती है वो पढ़नी है जीन का रेगुलेशन आपको पढ़ना है एंड बाद में आपको बेटा क्या पढ़ना है यहाँ पे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ना है और रेगुलेटरी एस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं उसके बाद आपकी आता है टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो है आपका बेटा यहाँ जेनेटिक्स के लिए आप स्नस्टर्ड की बुक रेफर कर सकते हो बेटा स्नस्टर्ड बहुत अच्छी बुक है जेनेटिक्स के लिए इसमें सबसे पहले आपको मैं जेनेटिक्स पढ़नी है मतलब मेंडल्स ने जो लो दिए थे वो पढ़ने हैं और उसके एक्सेप्शन क्या है वो आपको पढ़नी है जीन इंट्रैक्शन पढ़ना है मतलब एपिस्टेसिस मल्टीपल

करते हैं हम लोगों को पढ़ना है बैक्टीरिया और वायरसेस में और एट लास्ट हमें ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स जो है हमें वो पढ़ने हैं बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है बेटा क्या पढ़नी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है बेटा डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक आपकी गिलबर्ड्स की है बेटा किसकी है सबसे अच्छी बुक यहाँ पे आपकी गिलबर्ड्स की है सबसे पहले तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पता होना चाहिए हिस्ट्री पता होनी चाहिए डेवलपमेंट के क्या क्या फेजेस होते हैं पैटर्न क्या क्या होते हैं डिफ्रेंसियशन और ग्रोथ क्या होती है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं एसिमेट्रिक सेल डिविजन क्या होती है फिर आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पता होना चाहिए जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका गैमिटोजनिस जिसमें आप लोग स्पॉम का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन पढ़ते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है बायो की फर्टिलाइजेशन पढ़ते हो पॉलिसमी को कैसे ब्लॉक करते हैं एग्स

फिर आपको इवोल्यूशन के एविडेंसेस देखने हैं कि आपके फोसल्स जो हैं वो किस तरीके से आए हॉर्स का आपको इवोल्यूशन देखना है ह्यूमन का इवोल्यूशन देखना है फाइलोजेनेटिक ट्रीज पढ़ने हैं आपको यहाँ पे ग्लोबिन जीन फैमिली के बारे में आपको पढ़ना है मोलिकुलर क्लोक आपको यहाँ पे पढ़नी है और मोलिकुलर इवोल्यूशन के लिए जो तो थ्योरी आई थी वो आपको यहाँ पे पढ़नी है ठीक है फिर आपको इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है वेरिएशन म्यूटेशन ये सब होता है ना ये सब पढ़ना है फिर आपको नेचुरल सिलेक्शन पढ़ना है इस ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है नेचुरल सिलेक्शन तीन टाइप का होता है वो सब आपको पढ़ना है फिर सिलेक्शन क्या होता है अडेप्टिव रेडिएशन सेक्शुअल सिलेक्शन फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन ये सारी बातें आपको पढ़नी है फिर आपको बेटा यहाँ पे हार्डी वीनबर्ग पढ़ना है जिसको आप लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हो बेटा किसके नाम से जानते हो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हो देन आपको ड्रिफ्ट पढ़ना है यहाँ पे आपको फाउंडर अफेक्ट बॉटल नेक अफेक्ट ये सब पढ़ना है माइग्रेशन वगैरह पढ़ना है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा फिर आपको इवोल्यूशन का प्रोडक्ट पढ़ना है डैट इज माइक्रो इवोल्यूशन स्पीशीज कंसेप्ट आइसोलेटिक मकानिज्म स्पीसीएशन के मोड जिसमें पैराटिक पैरापेट्रिक सिंपेटिक त्रेक और

कर है तो वो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज परफॉर्म करे कोई ना कोई ताकि वो अपने आप को एनालाइज कर सके तो हमने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है आपकी टेस्ट सीरीज ट्वेंटी स्टार्ट हो गई थी और इसमें हमने एक पहला टेस्ट ले भी लिया है बेटा ठीक है इसमें आपका एक टेस्ट हो भी चुका है जो है आपका मोलिकुलर बायोलॉजी का किसका है बेटा मोलिकुलर बायोलॉजी का आई थिंक ये एक टेस्ट आपका हो चुका है या फिर मोल बायो नहीं होगा तो एनिमल फिजियोलॉजी ये एक टेस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है तो अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर लीजिए सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है आप उस पर कॉल करके इस टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं या प्ले स्टोर से वेद प्रेप ऐप डाउनलोड करके वहां से बायोलॉजी अकेडमी में जाके टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं यहाँ पे

आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो RDT पढ़ने के लिए आप ब्राउन की बुक क्या कर सकते हो बेटा रेफर कर सकते हो जल्दी से बताइए क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स बेटा रिप्लाई कीजिए क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है बेटा किस तरीके से आगे आपको प्रोसीड करना है सी यू टी पी जी जोलॉजी का जो सिलेबस है अगर आप कुछ और प्रिपेयर कर रहे हो कुछ और आपने पढ़ा है तो वो छोड़ दो यहाँ पे ये थर्टीन फोर्टीन यूनिट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इन्हीं यूनिट्स को बेटा आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ठीक है इन्हीं यूनिट्स को आपको अच्छे तरीके से बेटा यहाँ पे प्रिपेयर करना है अब आप लोग अपना क्वेरीज जो है वो लाइव चैट में पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए बेटा लाइव चैट में आप लोग अपनी क्वेरीज पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए बेटा लाइव चैट में आप देख रही हूं ठीक है हाँ, बिल्कुल केशव और नीतू जो है वो हमारे अपने ही बच्चे हैं उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है कोर्स का वो हमारे ऐप पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों में से हैं और बताइए बेटा आप भी बन सकते हो आपको भी सिंपल वेद प्रेप ऐप पे जाना है और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज ले लो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स कर लो ठीक है क्योंकि सी के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एम करने के लिए अगर आप किसी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो ठीक है बेटा बॉटनी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है अंकिता क्राफ्ट बॉटनी के लिए मैं पांच छह दिन पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ आप सिंपल चैनल पे जाइए वहाँ वीडियोस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और आपको बॉटनी का वीडियो पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिख जाएगा बॉटनी के लिए मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ बेटा और बताइए बेटा और बताइए क्या क्वेरीज है बेटा और बताइए आप लोगों की क्या क्या क्वेरीज हैं जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए कि और क्या क्या क्वेरीज हैं आपकी बताइए बेटा बताइए क्या क्या क्वेरीज है मैं क्वेरीज ले रही हूं आप सभी स्टूडेंट्स की जितने भी स्टूडेंट यहाँ लाइव प्रेजेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ लाइव प्रेजेंट हैं उन सभी की क्वेरीज मैं ले रही हूँ बेटा उसका अलग से एंट्रेंस होगा केशव अगर वो सी यू कोई यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी बेटा अगर सी यू टी में मर्ज नहीं हुई है इट मीन्स उसका या तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा या उसका अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट होगा तो आपको जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है अगर वो सी यू टी में मर्ज नहीं हुई है तो आप लोग उसका वेबसाइट जो है टाइम टू टाइम चेक करते रहिए उसका नोटिफिकेशन आपको उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा बेटा ठीक है केशव और बताइए बेटा और बताइए बेटा और बताइए बेटा सेक्शन ए के लिए मैं आपको बताती हूं सार्थक शर्मा सेक्शन ए में देखो बेटा पहली बात तो आपका जो सेक्शन बी है वो 300 मार्क्स का है सेक्शन ए 100 मार्क्स का है अगर 400 में से तुम्हारे 250 नंबर भी आ गए ना तो तुम्हें तुम्हारी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो पहली बात तो तुम्हारा मेन फोकस होना ही किस पे चाहिए सेक्शन बी पे उसके बाद बेटा लैंग्वेज जो है ना वो एक दो महीनों में नहीं सीखी जा सकती हाँ जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के जो क्वेश्चन हैं ये तुम प्रैक्टिस कर सकते हो मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए तो तुम रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर लो और

के पास प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए तो हमारे पास अपनी खुद की गोल और स्प्रिंट की बुक है जिसमें करीब करीब चार से पांच हजार क्वेश्चन है जिसमें हम आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे जरूरी है सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा तो सेक्शन ए में अगर तुम दस क्वेश्चन भी कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा लेकिन सेक्शन बी को स्ट्रॉन्ग बनाओ पिचत्तर में से पिछहत्तर क्वेश्चन करके आओ बेटा ठीक है बेटा माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चों के लिए प्रेस कोर्ट की बुक बहुत अच्छी है जो बच्चे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रेस कोर्ट की बुक बहुत अच्छी है आगे बात समझ में जल्दी से बताइए बेटा बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक अगर तुम्हें परचेस करनी है तो मैं तुम्हें एक नंबर दे देती हूँ बेटा मैं तुम्हें एक नंबर दे देती हूँ अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक परचेज करनी है तो तुम सिंपली बेटा इस नंबर पे कॉल कर सकते हो तुम सिंपली इस नंबर पे कॉल कर लो नाइन एट वन देना आपको किसके लिए बुक चाहिए सी यू टी पी जी के लिए लाइफ uh, साइंसेस के लिए माइक्रोबायोलॉजी के, के लिए तो आप इस पर्टिकुलर बुक पे क्या आप इस पर्टिकुलर नंबर पे क्या कर सकते हो बेटा कॉल कर सकते हो अदरवाइज मैं तुम्हें एक और नंबर दे देती हूँ वहां लिख देती हूँ नाइन अगर फिर भी तुम्हें नंबर नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मेंशन होता है नीचे आप वहां पे भी कॉल कर सकते हो अदरवाइज मैंने तुम्हें यहाँ पे दो नंबर दे दिए नाइन एट वन जीरो टू सेवन वन फोर वन सिक्स नाइन एट वन जीरो थ्री वन थ्री टू फाइव वन आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हो बिजी आ रहा होगा क्योंकि स्टूडेंट्स के कॉल आते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना और यहाँ से आप बुक परचेज कर लेना यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर की हमारी बुक है उसका नाम गोल है इसमें हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू

अंकित कुमार कोई भी एडिशन चलेगा बेटा जो नेट वाले बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा फर्क पड़ता है लेटेस्ट एडिशन का तुम्हारे पास अगर एक दो एडिशन पुराना है तो एमएससी लेवल पे वो भी चलेगा क्योंकि तुम्हारा बिल्कुल कंसेप्चुअल लेवल लेवल आता है ऊपर ऊपर से बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं आता तुम्हारा ठीक है बेटा और बताइए बेटा और कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए अदरवाइज आई एम एंडिंग दिस सेशन ठीक है आई थिंक और कोई डाउट नहीं है आपका यहाँ पे आई थिंक और कोई डाउट नहीं है लाइव चैट में देख रही हूँ बेटा जल्दी से बताइए बेटा जल्दी से बताइए बेटा बेटा आर यू अगर सी यू टी में नहीं है तो आर यू में तो मेरिट बेस्ड पे भी एंट्रेंस होता है मेरिट बेस्ड पे भी एडमिशन होता है और आर यू का अपना एंट्रेंस भी होता है जो मई महीने में होता है आई थिंक उसके फॉर्म सभी निकलने स्टार्ट हो गए होंगे तो आप उसकी वेबसाइट पर चेक करते रहिए मैं फिर बता रही हूँ अगर कोई यूनिवर्सिटी जो आपने पर्टिकुलर टारगेट की हुई है अपने एरिया के हिसाब से जहाँ पे आप रहते हो अगर उसका नाम सी यू टी में नहीं है इट मीन्स वो अपने सेपरेट फॉर्म निकालेगी वहाँ पे एंट्रेंस भी होगा और मेरिट भी चलेगा आगे बात समझ में सो थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस सेशन इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस सेशन स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं लाइव चैट में नहीं वीडियो एंड होने के बाद कमेंट में अपलोड कर दीजिए कमेंट कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए या आपकी कोई क्वेरी जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा हो वो आप इस वीडियो में डाल सकते हैं ठीक है बेटा सो अगेन अगेन थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद वेद प्रेप बायोलॉजी और

को प्रैक्टिस बुक चाहिए तो वो गोल स्प्रिंट ले सकता है किसी को थ्योरी भी चाहिए तो वो मैराथन गोल स्प्रिंट सब कुछ ले सकता है नंबर मैंने यहाँ पे आपको दो बताई दी है ठीक है बेटा यहाँ पे दो नंबर मैंने आपको बताई दिए ओके गाइज